चुनाव पास आते जा रहे हैं और रैलियों और वायदों का दौर आरंभ हो चला है। शहर में पहली रैली का आयोजन सोलन के गंज बाजार में होने जा रहा है। ये रैली कांग्रेस द्वारा आयोजित की जा रही है। इस रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चुनावी शंखनाद करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र की सोलन शहर में पहली रैली का आयोजन सोलन के गंज बाजार में होने जा रहा है। ये रैली कांग्रेस द्वारा आयोजित की जा रही है। इस रैली में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शंखनाद करेंगे। उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल भी उपस्थित रहेंगे। इस रैली से उम्मीद है कि सोलन की ठंडी फिजाओं में राजनीतिक माहौल गर्म हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने आधिकारिक रूप से जानकारी देते हुए बताया कि 20 अप्रैल को पछाद के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सोलन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुकेश ने कहा कि वीरभद्र सिंह का समूचे हिमाचल में बड़ा जनादार है और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हिमाचल चारों सीटें जीत कर आएगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी शनिवार 20 अप्रैल को गंज बाजार में 3 बजे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, नेता विपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी भी लोगों को संबोधित करेंगे। मेरा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, अग्रिम संगठनों से निवेदन है कि भारी संख्या में आकर इस जनसभा को जो है सफल बनाएं। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और हिमाचल में 7वें चरण में जो है यहाँ पर मतदान होना है, उसी के मद्देनज़र जो है ये चुनावी जनसभा होगी। उस दिन जो है पूर्व मुख्यमंत्री 11 बजे राजगढ़ में, क्योंकि पछाद में जो है उनकी जनसभा है, उसके बाद वो शाम को 3 बजे गंज बाजार सोलन में जनसभा को संबोधित करेंगे और लक्ष्य जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित करना होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि वीरभद्र सिंह जी का पूरे प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त जनाधार है और उनके कुशल नेतृत्व में हम हिमाचल में चारों लोकसभा सीटें जो है वो जीतेंगे।